ओके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अभी तक हमने निकाली पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने निकाली चार्ज रिंग के एक्सिस पे, फिर हमने की डिस्क के लिए फॉर्मूला किया, डिस्क के फॉर्मूले के बाद हमने लाइन चार्ज लिया, लाइन चार्ज का मतलब लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उसके भी कई केसेस किए हमने, फिर हमने आर्क का भी किया, सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने को कहा था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि जो टॉपिक हमने या जो हमने ई की वैल्यूज को निकाला वो ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। कॉम्प्लेक्स कैसे होता जा रहा था, ई की वैल्यू में इंटीग्रेशन बहुत यूज़ हो रही थी, लाइन चार्ज में देखो मैंने इंटीग्रेशन करवाई भी नहीं उस टॉपिक के अंदर थोड़ा, तो वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। और हमने अब जो ई की वैल्यू निकालनी है वो शेल के लिए निकालनी है, स्फेयर के लिए निकालनी है, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, इन सब के लिए निकालनी है। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन तो यहाँ पर काम करना बंद कर देंगी। लाइन चार्ज में इतनी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, स्फेयर में क्या इंटीग्रेशन होगी सोचो, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन काम नहीं आएंगी। हमें कोई और मेथड ही ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम किसी भी पॉइंट पर ई निकाल सकें। किसकी वजह से, 3D बॉडीज की वजह से, 3D कह लो या कॉम्प्लेक्स बॉडीज की वजह से। तो जरूरी नहीं 3D, 2D के लिए भी फ्लक्स काम करता है, लाइन चार्ज के लिए भी फ्लक्स काम करता है, लेकिन जो इसका मैकेनिज्म है काम करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आज हम वो देखेंगे। तो हमारा काम क्या रहेगा फ्लक्स सीखने के बाद, फिर से क्या निकालना, ई निकालना। तो आप ये ना सोचें कि अब हम कुछ और निकालेंगे, नहीं हम कुछ और निकालेंगे नहीं, निकालना हमने अल्टीमेटली ई ही है, लेकिन ई कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन अगर करना हो तो इसको डिफाइन किया जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। अब आप कहोगे कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एरिया परपेंडिकुलरली इसका मतलब क्या है। देखो तो आप एक पॉइंट को समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करते थे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या थी, इमेजिनरी लाइंस थी, कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो एक रीजन को क्रॉस कर रही हैं, जो ये शो करने के लिए काम आती हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो लेट अस सपोज मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक, एक बॉडी है, और इसमें से इमेजिन करो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रेजेंट है, तो वो लाइंस इस बॉडी में से क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। इमेजिन करना है, दिखना आपको कुछ नहीं है इसमें से, क्योंकि लाइंस इमेजिनरी हैं, तो फ्लक्स भी बेसिकली इमेजिनरी है। जब लाइंस ही नहीं दिखती और ये कह रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस बताओ, यानी कि काउंट भी करके बताओ नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, तो ये तो टोटली इमेजिनरी है। तो जब इमेजिनेशन में काम किया जा रहा है तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो इमेजिन करें कि यहां पर नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं और इस एरिया में से क्रॉस कर रही हैं। अब कितनी लाइंस इस एरिया में से क्रॉस कर गई जो कि इसके परपेंडिकुलर पास कर गई, परपेंडिकुलरली। ये नहीं कि इस रूम में तो 100 लाइंस थी लेकिन इसमें से पास की सिर्फ 10, तो नहीं, 100 फ्लक्स नहीं है, 10 फ्लक्स है, 10 भी नहीं हो सकता, कम भी हो सकता है, क्योंकि हमने उन लाइंस को कंसिडर करना है जो इसमें से क्या करेंगी, परपेंडिकुलरली पास करेंगी। ठीक, तो जो परपेंडिकुलरली पास करेंगी हमने उसको कंसिडर करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप कहेंगे ये क्या तरीका है, मेरे को दिख नहीं रहा, मैं काउंट कैसे करूंगा? तो जिसने फ्लक्स बनाया उसने तरीका भी बताया हाउ टू काउंट नंबर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलरली। तो इसीलिए डिफाइन करते हुए हमने क्या डिफाइन किया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई एरिया है, कोई भी एरिया ले लिया, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये इसमें से ऐसे पास कर रही हैं, पर ये एरिया कैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मान लो लाइन ऐसे पास कर रही हैं, लाइन ऐसे पास कर रही हैं, एरिया ऐसा है, क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि एरिया ऐसा ही होगा, लाइंस परपेंडिकुलर हमेशा पास करेंगी, कोई जरूरी नहीं है, एरिया ऐसा है। तो अगर लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, एरिया ऐसा है, ऐसा टेढ़ा, तो लाइंस ये ई वेक्टर यहाँ जा रहा था, लाइंस पास करने का मतलब इफ़ यू ड्रॉ अ टेंजेंट, अगर आप इस लाइन के ऊपर कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो आपने क्या लेना है, इसके परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट लेना है। आपको कहे परपेंडिकुलर क्या मतलब, परपेंडिकुलर लेने से लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होंगी। हम यहाँ पर एक तरीका निकालने जा रहे हैं कि वो नंबर ऑफ लाइंस कैसे काउंट करना है। नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इस टॉपिक में नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो भी इसमें ई वेक्टर होगा,
जो भी इसका एरिया होगा, वैसे बता दूं मैं आपको, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया एक वेक्टर होता है और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर ये सरफेस ऐसे है, इसका एरिया ऐसा है, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसा है तो इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर ये सरफेस ऐसा है तो इसका एरिया ऐसे परपेंडिकुलर है। तो ये आपका क्या है, ई वेक्टर, ये क्या है आपका ए वेक्टर। ई और ए में एंगल कितना है, थीटा, थीटा। तो ई और ए में एंगल जीरो भी हो सकता है। जीरो पता है कब होगा, जब ये ऐसा होगा, जब ये एरिया ऐसा होगा, क्योंकि ई वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर भी ऐसे है, तो एरिया वेक्टर स्ट्रेट है, ई वेक्टर भी स्ट्रेट है, तो एंगल बिटवीन देम इज जीरो। पर ये मैंडेटरी नहीं है कि जीरो होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने ऐसे ले लिया, तो ये क्या है एरिया वेक्टर, ये क्या है ई वेक्टर। तो जिसने फ्लक्स बनाया उसने ये कहा कि फ्लक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इसमें स्मॉल एरिया लें, जैसे ये वाला केस ले लेते हैं, एक ही बात है। तो आप इसमें ये पूरा एरिया है, पूरा एरिया है, तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं पूरा एरिया रहने दे, आप इसका स्मॉल एरिया लें बस, ये स्मॉल एरिया, एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर को डीए या डीएस वेक्टर कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्योंकि मैंने एरिया वेक्टर को छोटा लिया, मैंने पूरी बॉडी का फ्लक्स निकालना है, मैं पूरी बॉडी का फ्लक्स बाद में निकालूंगा, पहले मैं छोटा सा एरिया लेके उसका फ्लक्स निकालूंगा। तो जब मैंने छोटा एरिया लिया तो उसका नाम क्या लिया, किस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, डीएस वेक्टर, एंड डीएस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, एंड ये ई वेक्टर, ई वेक्टर मेरी मर्जी, ई वेक्टर तो मैंने प्रेजेंट करना है, मैं इधर दूं या इधर दूं, जहां भी दूं तो एंगल चेंज हो सकता है। तो मान लो मेरे क्वेश्चन में ई वेक्टर ये रहा, डीएस वेक्टर ये रहा, तो इस छोटे से पोर्शन में अगर आपको स्मॉल फ्लक्स निकालना है डी फाई, फ्लक्स का सिंबल क्या होता है फाई, और अगर स्मॉल एरिया का फ्लक्स है तो स्मॉल फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय डी फाई। तो डी फाई इज ई, ई जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो पास कर रही है इसमें से ई की वैल्यू उस एरिया में से, और स्मॉल एरिया कितना डी एस, तो ई इंटू डी एस इंटू एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज थीटा, तो इंटू कॉस थीटा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, ये ज़रूरत नहीं है, फ्लक्स कैलकुलेट जिसने बनाया उसने तरीका बताया कि फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो ऐसे करना है। तो ये आपके पास क्या आएगा, स्मॉल फ्लक्स क्या आएगा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, या फिर ये ई वेक्टर है, ये आपका क्या है, ये दिस इज ई वेक्टर, ये भी एरिया भी वेक्टर है। तो अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसकी की जाए, तो अगर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की जाए तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा। एंड वैसे भी जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नंबर ऑफ लाइंस है ना, तो स्केलर है, तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, के वेक्टर नहीं है। लेकिन ये दो वेक्टर्स हैं तो क्रॉस तो आ नहीं सकता, तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर स्मॉल फ्लक्स कैसे निकलेगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। शुरू में आपको ये अजीब लगेगा और समझ में नहीं आएगा, ये मतलब फिर क्या, फिर इसके बाद क्या, फिर क्या हुआ, मेरे को क्या फ़ायदा हुआ इसका, ये तो उल्टा और कॉम्प्लेक्स हो गया, इससे अच्छा तो हम अच्छे वाले प्लस वन रख के ई निकाल ही रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद, अभी थोड़ी देर में, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा इसका, और आप कोशिश यही करेंगे कि आप फ्लक्स ही लगाएं। तो ये पहला तरीका समझ में आ गया, स्मॉल फ्लक्स का सिंबल क्या होगा डी फाई, स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है पूरे सरफेस एरिया का, तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, स्मॉल फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन में नॉर्मली ये लिमिट ऐसे ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन नॉर्मली ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ऐसे करते हैं, बट हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा नहीं लगाते, फ्लक्स में इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा लगता है, ये गोल सिंबल भी डलता है इसमें, इस सिंबल का नाम है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये होती क्या है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, अगर
क्लोज इंटीग्रेशन देखना चाहते हैं तो यहां से देखें, क्लोज इंटीग्रेशन में ये आपके पास एक, जैसे मान लो स्फेयर है, इस स्फेयर का आपने छोटा सा एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया कितना लिया, ds, ds, तो ये ds वेक्टर परपेंडिकुलर है, r इसका रेडियस है, तो अगर मैं कहूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ds करो तो सारे ds, 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 ds मिल जाएंगे, तो पूरे स्फेयर की इंटीग्रेशन हो जाएगी, पूरे स्फेयर का एरिया आएगा। तो ds की इंटीग्रेशन में हम क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे बिकॉज स्फेयर इज अ क्लोज्ड बॉडी, ओपन बॉडी थोड़ी ना, क्लोज 3D बॉडी है, तो 3D बॉडी का मतलब बंद बॉडी है, हर तरफ से ये क्लोज है, बंद है। तो अगर आप क्लोज नॉर्मली 3D बॉडीज के लिए यूज करते हैं ऐसे, क्योंकि कोई भी ऐसे बॉल है, कोई सिलेंडर है या कोई भी कोन है, उसके सरफेस एरिया के इंटीग्रेशन को क्लोज इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन के रूल वैसे नहीं है कि एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, ना ना ऐसा कुछ लगेगा नहीं इसमें, बस सीधा एरिया लिख देना है। जैसे डी एस की क्लोज इंटीग्रेशन अगर स्फेयर के लिए करनी है तो स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4π, बस 4π आर स्क्वायर, ये अच्छी बात है, इसमें कोई इंटीग्रेशन के नए रूल्स नहीं है। तो जैसे अगर कोई सिलेंडर की इंटीग्रेशन करनी है क्लोज डी एस, तो स्फेयर का, सिलेंडर का एरिया, स्फेयर का करना है डी एस तो स्फेयर का एरिया, कोन का करना है तो कोन का एरिया, क्यूब का करना है क्यूब का एरिया। तो इसमें इंटीग्रेशन के पुराने रूल्स नहीं चलते, बस फॉर्मूला पुट करना होता है, अच्छा है उल्टा, फॉर्मूला पुट करो ख़त्म। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको इसमें टोटल फ्लक्स निकालना है किसी भी बॉडी का, पता नहीं किस चीज़ का फ्लक्स निकलवाएगा, जिसका भी निकलवाएगा टोटल फ्लक्स जो भी होगा, वो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, ई बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, और किसकी इंटीग्रेशन होगी, डी एस की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स फाइव, और डी एस की इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा वो डिपेंड करेगा, अगर स्फेयर है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या आ जाएगा, 4πr², अगर सिलेंडर है तो 2πrh, तो जो भी फिगर होगी जिसका आपको फ्लक्स निकालना है उसका एरिया आ जाएगा। अगर मान लो आप हो गए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें एरिया पता ही नहीं क्या है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको फिगर्स वही दी जाएंगी डी एस में जिसका एरिया आपको ऑलरेडी मालूम है, या आता है स्क्वायर का, क्यूब का, या आएगा सिलेंडर का, या आएगा स्फेयर का, या शेल का, बस ये पांच फिगर्स आते हैं, इससे ऊपर आता नहीं है, ठीक। तो सबके एरिया आपको पता ही है, तो जब हम यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आपको पता लग जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक हमने क्या सीखा, हम ऐसी बॉडीज़ का ई निकालने जा रहे हैं जहाँ पर हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन से हम ई निकाल नहीं पाएंगे। जैसे एक सॉलिड स्फेयर चार्ज्ड है, चार्ज सॉलिड स्फेयर है, उसके आर डिस्टेंस दूर ई निकालो, नहीं हमें नहीं मेथड आता, सॉलिड स्फेयर की वजह से आता ही नहीं, क्यों, क्योंकि पॉइंट चार्जेस तो है ही नहीं, रहे नहीं, और इस 3D बॉडी की वजह से ई मैं निकाल नहीं पाऊंगा। तो इसलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, नया कॉन्सेप्ट फ्लक्स का। फ्लक्स सीखने के लिए हमें पहले फ्लक्स सीखना पड़ेगा, लगाने से पहले, फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, और जिसका फॉर्मूला हमने सीखा स्मॉल फ्लक्स का ई डी एस कॉस थीटा, और टोटल फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे और ई और कॉस थीटा बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। क्लियर है यहाँ तक? इसने ऐसा क्यों बोला कि नंबर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलरली, वैसे नॉलेज के लिए आंसर दे रहा हूँ, अदरवाइज चाहिए नहीं। उसने इसलिए बोला कि जैसे ये ई वेक्टर है, ई वेक्टर है, ये क्या है, डी एस वैक्टर है, डी एस वैक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये तो रूल है, ई वैक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इस केस में नहीं है, तो ई वैक्टर का कॉम्पोनेंट ले लिया इसके ऊपर, ये देखो कॉम्पोनेंट, क्या कॉम्पोनेंट हुआ ई वैक्टर का, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जो इनके परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स हैं, ई के भी और डी एस के भी, तो आपको सीधा क्या मिल जाएगा, फ्लक्स ई डी एस कॉस थीटा। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ई वेक्टर को एरिया वेक्टर के साथ अलाइन करके लेना है, तभी तो उसने वर्ड क्या यूज किया, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली का मतलब क्योंकि एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो
तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको तो बस बता दिया मैंने कि फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, सफिशिएंट है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी समझ में आ रहा है? ये स्मॉल फ्लक्स है, ये स्मॉल फ्लक्स है। अब वो कह रहा है कि इस केस में जैसे हमने करके दिखाया, इंटीग्रेशन ऑफ जैसे स्फेयर है डी एस की इंटीग्रेशन 4πr², अगर ये मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर का छोटा एरिया ले लिया और आप इसका कर्व्ड डी एस मिला के कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, क्योंकि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का डी एस मिलाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2πrL आ जाएगा। जस्ट तरीका बता रहा हूँ। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस, ओपन सरफेस में जैसे ये मान लो ये एरिया है, ब्लू कलर का एरिया है, ई वेक्टर कहाँ पर है, राइट, डी एस भी कहाँ पर है, राइट, क्योंकि एरिया वेक्टर एंड ये जो शीट पड़ी हुई है ये ई वेक्टर के साथ कैसे है, 90 डिग्री पे है, साफ पता लग रहा है। तो इसमें ई और डी एस में एंगल क्या है, जीरो, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस कॉस जीरो, इसमें क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, इसमें क्या होगा, ई वेक्टर रेड कलर की लाइन ई वेक्टर है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ई डी एस कॉस 90, तो इसका फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। तो कभी भी शीट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लाइन हो तो एरिया वेक्टर 90 डिग्री हो जाता है, उसका फ्लक्स नहीं आता, कोई लाइंस उसमें से क्रॉस नहीं कर पाएंगी, उसके साथ अलाइन होकर चली जाएंगी, पर हमने जो लाइंस लेनी है वो क्या लेनी होती है, इसके परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। इसमें तो अभी ओपन लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएस की इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए होगी, जरूरी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एक लॉ आने वाला है जिस लॉ को क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम। हम जो फ्लक्स कैलकुलेशन सीखेंगे उसमें गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम सीखने के लिए फ्लक्स का आइडिया होना चाहिए, तो यानी कि हमने अल्टीमेटली क्या निकालना है, ई निकालना है। ई के लिए क्या सीखना पड़ेगा, फ्लक्स। फ्लक्स को कौन यूज करेगा, गॉस थ्योरम। तो हम अपने सारे ई की प्रॉब्लम किससे यूज करवाएंगे, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम के अंदर क्या यूज होती है, क्लोज सरफेस, इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक, अभी इसके बाद समझ में आएगा क्लोज क्यों या। तो गॉस थ्योरम इस जो आज हम टॉपिक करेंगे, जितने भी टॉपिक करेंगे, गारंटेड 100% 99 बिल्कुल भी नहीं कहा मैंने, 100% 100% आपका CBSE में 3 नंबर की प्रॉब्लम आज के लेक्चर में से पक्की आएगी ही आएगी, इस पूरे चैप्टर में से। वैसे तो 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ये 5 नंबर का टॉपिक है पूरा जितना भी है, पर कई बार बाइफरकेशन करते हैं बोर्ड में, 3 नंबर की थ्योरी दे देते हैं, 2 नंबर का न्यूमेरिकल किसी और चैप्टर का ऐड कर सकते हैं, पर 3 नंबर की पूरी गारंटी है आज के टॉपिक में से आएगा। ऐसा मैंने पहले चैप्टर में नहीं बोला, ना मैंने ए में बोला, ना मैंने बी में बोला, इसका मतलब +2 आज से स्टार्ट है। वो तो बेस बिल्डिंग था, धीरे धीरे ई निकाल लिया, एफ निकाल लिया, आएगा उसमें से 2 नंबर का आएगा, दोनों चैप्टर में से पॉइंट चार्ज पे आएगा। कॉम्पिटिशन में उन 2 चैप्टर में से आ सकता है कुछ भी एक आध क्वेश्चन, गॉस थ्योरम पूरी प्रॉबिलिटी आने की, और कंपटीशन में इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत कुछ है डालने के लिए। इसके अगले चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दोनों चैप्टर्स। तो ये 3 चैप्टर जब हम करेंगे, ये आपके कम से कम तो नीट में से ज़्यादा ना सही तो 3-4 क्वेश्चन ठीक करवा देंगे आपके। 3-4 क्वेश्चन का पूरा कंटेंट है ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का पूरा, 3-4 बहुत होते हैं नीट में, 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं, 3-4 बहुत होते हैं। मेंस में कम से कम 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे आपके, 2 कम से कम इलेक्ट्रोस्टैट्स लेके जाएगा। लंबा है ना, 1.5 महीने का टॉपिक है ये, 2 क्या कभी कभी तो 3 तक भी आ जाते हैं, 2 या 3 के बीच में। ठीक, तो गॉस थ्योरम से स्टार्टिंग है। तो गॉस थ्योरम के अंदर इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ गिवन क्लोज सरफेस, उसने कहा कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहता हूँ किसका, किसी भी क्लोज्ड सरफेस का। तो फ्लक्स निकालना चाहता है तो इमेजिन करना पड़ेगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, फ्लक्स निकालना है, किसका फ्लक्स निकालना है, क्लोज सरफेस का निकालना है। क्लोज सरफेस जैसे मन में इमेजिन करो, कोई हॉलो शेल, कोई सॉलिड स्फेयर,
कोई क्यूब, कोई क्यूबॉइड, कोई सिलेंडर, कुछ भी, कोई भी बंद बॉडी। और अगर ये फिगर्स अच्छी फिगर्स नहीं लेनी अपने मन में, बुरी फिगर्स आ रही हैं तो बुरी फिगर ले सकते हैं, ये रही, ये क्लोज बॉडी है, जरूरी थोड़ी है कि वो अच्छी फिगर ही होंगी जिसका एरिया आपको पता होगा। कोई भी ऐसा कोई भी बंद बॉडी जो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, पर वो ये लाइन नहीं है, ये बॉडी है पूरी, ठीक है यहाँ तक। तो कह रहे हैं कि गॉस थ्योरम कहाँ लगेगी, किसी भी क्लोज सरफेस पे, और इस पूरी क्लोज बॉडी का क्या निकालेगी, फ्लक्स निकालेगी। तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस दी जाए और उसका फ्लक्स कैलकुलेट करने को दिया जाए, जैसे ये मान लो कोई भी एक बॉडी है, सेल ले लिया मैंने, इसके अंदर क्यू चार्ज है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यू चार्ज हर तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जाएंगे ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि इस ये जो सेयर है इसमें से नंबर ऑफ लाइंस कितनी कितनी पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली, उसी को क्या बोलते हैं, इस सेयर का फ्लक्स। देखो फ्लक्स के लिए आपको चार्ज तो लेना ही पड़ेगा, चार्ज होगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो आपको तो लाइंस बतानी है कितनी क्रॉस कर रही है, इसका फ्लक्स बताना है। तो आप ये चाहते हो कि आपने क्यू चार्ज को रखा और उसने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हर तरफ फेंका, और आपने ये कैलकुलेट करना है कि इसका फ्लक्स कितना है, और दिस इज अ क्लोज्ड बॉडी। तो गॉस भी यही कह रहा है कि मेरे लिए, मेरे सामने कोई भी क्लोज बॉडी ले आओ, मैंने कहा ले आया, ये रही क्लोज बॉडी। वो कहता है ठीक है आप इसका फ्लक्स निकालना चाहते हो, मैंने कहा हाँ निकालना चाहता हूँ। तो कहता ठीक है मेरा नाम लो और फ्लक्स निकाल लो, कैसे, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने पूछा भाई कैसे फ्लक्स निकलेगा, तो ई डॉट डी एस करके, कि आपने ये पूछा कि पहले मैं इस पर डी एस लूँगा, फिर मैं ये डी एस वेक्टर क्या होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, फिर ई वेक्टर होगा, फिर मैं स्मॉल फ्लक्स निकालूंगा ई डी एस कॉस थीटा करके, फिर मैं इंटीग्रेट करूँगा। सही है, ये गलत नहीं है, पर गॉस थ्योरम कहते हैं इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओ कि इस क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, इनसाइड कितना चार्ज है, क्यों क्यों चार्ज है, इस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, सीधा इसका टोटल फ्लक्स आएगा बिना इंटीग्रेशन के। तो पॉइंट समझ में आया, ये जादू है और क्या, जिंदगी आसान कर दी। कोई कह रहा है इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये बता दो कि क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है। आपने कहा क्यू चार्ज है, उसने कहा ठीक है टोटल फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपने कहा अच्छा ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं क्लोज बॉडी चेंज कर देता हूँ, ये लो। अब बोलो क्या आंसर होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे पास करेंगी ना, तो अब क्या आंसर होगा। वो कहता है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इसकी शेप क्या है, चाहे स्फीयर है, चाहे सिलेंडर है, चाहे टूटी फूटी बॉडी हो, मेरे को क्लोज बॉडी है ना, आंसर रिमेनिंग द सेम, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये तो कमाल ही होगी। आपने कहा अगर कोन के अंदर रखूँ क्यूब एप्सिलॉन नॉट, आपने कहा इस रूम के अंदर रखूँ तो रूम का फ्लक्स के अंदर क्यू चार्ज है, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो कोई मर्जी बॉडी ले आओ अगर वो क्लोज्ड है, वो कहता है इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हो फिर ये जो तरीका मुझे सिखाया था सर ने थोड़ी देर पहले ई डी एस को, क्या उससे कर लो, उससे कर लो तो भी आंसर यही आएगा, मेरे तरीके से कर लोगे तो भी आंसर यही आएगा, जिससे मर्जी कर लो आंसर सेम आएगा। तो गॉस थ्योरम ने इसका मतलब बहुत सारी क्लोज बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया हुआ है। तो अदरवाइज आप कहोगे सर ई निकालने का काम कैसे करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा से, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकली क्या निकालना है, ई निकालने के लिए क्या सीखना पड़ा, हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स। गॉस थ्योरम कहता है वो भी क्यों सीख रहे हो, मेरे से पूछ लो हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स में, मुझे पता ही आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन के बाद, क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उसने और भी हमारे जिंदगी को और ज्यादा आसान कर दिया कि आपको इतना भी ना एफर्ट करना पड़े कि इंटीग्रेशन में क्या आएगा, वो कहता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो पॉइंट समझ में आया, अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, ई तो निकालना है अभी हमने, बट आपको ये पॉइंट समझ में आया कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। गॉस ने क्या कहा कि फ्लक्स मैं भी कैलकुलेट करके दूंगा, लेकिन मेरे पे विश्वास रखो मेरी थ्योरम बिल्कुल सही है, क्लोज बॉडी के अंदर क्यू बाय एप्सिलॉन टोटल फ्लक्स। जबकि मैंने जो मेथड सिखाया फ्लक्स निकालने का, वो स्मॉल फ्लक्स निकालता था, उसमें आपको इंटीग्रेशन भी करनी पड़ती है, राइट। तो अब
अगर हम यहाँ चलें तो इट्स स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ गिवन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट. तो गॉस थ्योरम क्लियर है. तो गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स निकाल रही है, ये आंसर है. और हमारा तरीका क्या था फ्लक्स निकालने का, ये था राइट. तो आपको अजीब लगेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे यार कोई बॉडी की शेप कुछ भी चेंज करो तो आंसर सेम रहेगा, ये तो अजीब बात है. और आपको ये भी बड़ा अजीब लगेगा, वो क्या, आपको ये भी अजीब लगेगा कि सपोज करो एक क्लोज बॉडी ले ली, इसके अंदर क्या चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है क्यू चार्ज है. तो इसका टोटल फ्लक्स कितना है बॉडी का, क्यू बाय, ठीक हो गया. मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्लोज बॉडी ले ली, चार्ज ये रहा. तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. ये लो, तो बोलो इस क्लोज बॉडी का फ्लक्स क्या होगा, क्यों जीरो होगा, तो पास कर रही है. चार्ज बाहर, हाँ गॉस थ्योरम तो यही कहती है कि चार्ज क्या होना चाहिए, अंदर, पर यहां पर कहाँ है, बाहर. तो ये तो आपको पता लग गया कि गॉस थ्योरम का कहता है कि टोटल फ्लक्स तो जीरो ही आएगा, पर विश्वास सा नहीं हो रहा क्योंकि लाइन तो पास हो रही है तो जीरो कैसे हो गया. पॉइंट है लाइन पास हो रही है तो जीरो नहीं होना चाहिए ना. अब एक रूल सुनो बड़ा इंपॉर्टेंट, फ्लक्स में अगर कोई लाइन एक सरफेस को क्रॉस करती है, क्रॉस का मतलब चाहे एंटर करे चाहे एग्जिट करे, उसको बोलते हैं क्रॉस करना. एंट्री को भी क्रॉस बोलते हैं और एग्जिट को भी क्रॉस बोलते हैं. तो आपका फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होता है, पर आपकी एक लाइन यहाँ पर एंटर कर गई, वही लाइन यहाँ से क्या कर गई, एग्जिट कर गई, नेट इफेक्ट कैंसल. तो कहता है ये कोई लाइन आई और गई, ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करती, ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करती. तो यानी कि एक लाइन एंटर कर रही है और फिर वही लाइन एग्जिट भी कर रही है, तो फ्लक्स नेट जीरो. आप ये जितनी भी लाइंस हैं दो बार कट कर रही हैं, इसे दो बार कट हो रही है, एंट्री पे भी और एग्जिट में भी. तो इसका इन सभी लाइंस का फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो. इसीलिए गॉस थ्योरम ने क्या कहा था कि चार्ज कहां पे होना चाहिए, इनसाइड, क्योंकि आउटसाइड वाला चार्ज दो बार कट करेगा सरफेस को, लाइन को एंटर करवाएगा और फिर लाइन को एग्जिट भी करवाएगा, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. लेकिन जो चार्ज अंदर होगा इनसाइड होगा वो एक ही बार कट करेगा, वो दो बार कट नहीं करेगा, वो लाइन एक ही बार कट करेगी, तो उसका फ्लक्स काउंट होगा. तो ये पॉइंट समझ में आया. तो गॉस थ्योरम ने ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे केस आपके माइंड में आ सकते हैं कि आपने अगर चार्ज बाहर लिया लेकिन लाइन तो क्रॉस कर रही है, फिर उसका फ्लक्स क्यों नहीं लिया. तो गॉस ने इस चीज को भी कंसिडर किया, इसलिए उसने एक थ्योरम बनाई कि बाहर के चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ अंदर के चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे. तो ये मैं आपको आंसर दे रहा हूं कि बाहर के चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिया जाता, क्यों वो फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि नेट फ्लक्स उसका क्या हो जाता है, जीरो. क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है. तो चार्ज हमेशा इनसाइड लेना है, ठीक. तो वापस चलते हैं. तो अब प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. चलो नॉर्मली क्या होता है कि कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है उसका प्रूफ उसको देना पड़ता है, तो इसने भी यही किया. लोगों ने जवाब मांगा भाई कैसे, बता आप भी मन में सोच रहे हो ऐसे कैसे कर गया, तो अब वो आपको क्या देगा, इसका प्रूफ देगा. देखो मैं कैसे करके दिखाऊंगा. वो कहता है कि कैसे मैंने निकाला किसी भी क्लोज बॉडी का ई डॉट डी एस क्या आएगा. ई डॉट डी एस का मतलब फ्लक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज फ्लक्स. क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट.
तो कहता है ठीक है, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो, क्योंकि मैंने बड़ा काम किया, वो कहता है, तो आप मेरे को याद भी करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे तो नाम उसे दे ही दिया, पर आप रोज़ याद करो जब जब आप ई की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मेरी थ्योरम यूज़ कर रहे हो। तो उसने एक सरफेस बनाई जिसको क्या नाम दिया, गॉसियन सरफेस। अब देखो, अब मैं हर क्वेश्चन में कहूँगा फाइंड गॉसियन सरफेस, अब आप रोज़ गॉस को याद करोगे, क्योंकि यू हैव टू फाइंड गॉसियन सरफेस, अदरवाइज वो ऐसा कुछ नाम भी देता सरफेस सरफेस तो गॉस को उड़ा देते। तो उसने नाम रखा गॉसियन सरफेस, ऐसे ही अपना नाम लगा दिया। ठीक, तो गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या है? वो कहता है गॉसियन सरफेस मतलब मैं क्या करने जा रहा हूँ, गॉस थ्योरम का प्रूफ बताने जा रहा हूँ कि किसी भी क्लोज बॉडी के लिए टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो उसके उसको सीखने के लिए आपको क्या सीखनी पड़ेगी, व्हाट इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस वो इमेजिनरी सरफेस है, गॉसियन सरफेस वो इमेजिनरी हवा में है कोई सरफेस है, जहां पर आपको ई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है, ये स्फीयर स्फीयर कुछ नहीं है, ये तो जस्ट एक स्फीयर बना लिया मैंने। हाँ, तो बेसिकली ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ऐसे है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर क्या निकालना है, सपोज ई निकालना है। आपको कि ये तो एक मिनट में ऐसे, ये कोई क्वेश्चन है, 1/4πε³r² नहीं नहीं मान लो मैंने निकालना है, और मैंने यहां पर जहां ई निकालना है वहां इमेजिन करनी है एक गॉसियन सरफेस, हल्की सी छोटी सी सरफेस इमेजिन कर लो, डीएस छोटा सा एरिया। अब मैंने कहा कि क्यू पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर आपको ई निकालना है, ये कहा ना मैंने, क्यू पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर आपने ई निकालना है। अब एक स्टूडेंट कहता है यार आर डिस्टेंस दूर ये तो नहीं है कि यही आर होगा, आर तो ये भी हो सकता है तो ये रही गॉसियन, आर ये भी तो हो सकता है तो ये रही गॉसियन, आर ये भी तो हो सकता है, आर ये भी तो हो सकता है, आर अंदर बाहर कैसे भी हो सकता है। तो सोचो अगर क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस दूर ये गॉसियन, गॉसियन इमेजिन करो जहाँ ई निकालना है उसने कहा गॉसियन लेना है, गॉसियन। सोचो अगर मैं सारे छोटे 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 इस डीएस 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 को मिला लूंगा तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट स्फीयर। तो इसीलिए जब मैं इसे मिलाऊंगा तो पूरी क्या बनी, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। स्फीयर तो है ही नहीं, ये तो आपके माइंड में चल पड़ा, अब स्फीयर बनेगा, यानी कि मैं स्फीयर की सरफेस पे कहीं भी ई निकाल लूं, आंसर विल रिमेन सेम, दिस इज अ गॉसियन सरफेस जहां पर मुझे ई निकालना है। तो छोटी गॉसियन सरफेस डीएस है, और सारे डीएस को मिलाया तो बड़ी गॉसियन सरफेस 4πr² स्फीयर है। तो क्या है, पॉइंट क्लियर है? ठीक, अब बताता हूँ यूज कैसे करनी है। ठीक, तो गॉसियन सरफेस एंड इमेजिनरी सरफेस, हवा में बनी ना, एक्चुअल स्फीयर था ही नहीं, पॉइंट चार्ज तो था। तो इमेजिनरी सरफेस एज्यूम टू बी लाइंग एट दैट पॉइंट, ये वहां पर पड़ी होगी, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टू बी फाउंड। अब गिवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों रखा, क्योंकि चार्ज पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, और चार्ज और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेंथ वाइज, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज। तो जहां पर भी वो चार्ज पड़ा हुआ है, जो भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट चार्ज है, लेंथ वाइज है, एरिया वाइज है, वॉल्यूम वाइज है, वो जो भी चार्ज होगा वो अपने आसपास ई लगाएगा। तो जहां पे वो ई लगाएगा वहां पर जो सरफेस पाई जाएगी या इमेजिन की जाएगी उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब यूज कैसे करना है इसको देखते हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, और मुझे क्या करना है, गॉस थ्योरम को प्रूव करना है। तो हमारा मेन मेन काम हो गया, हमने गॉसियन सरफेस भी सीख लिया, हम गॉस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। गॉस थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे, कह रहे ठीक है, आप एक काम करो, कंसिडर चार्ज क्यू लाइंग एट द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर। वो कह रहे ठीक है, एक स्फीयर ले लो, ले लिया स्फीयर, नहीं भी लेते तो मैं इमेजिनरी बना ही देता, पर उसने कहा ले लो, तो हमने ले लिया, क्यू उसके सेंटर में पड़ा हुआ है, हमने ले लिया। आप इसमें आपने एक स्फीयर लिया जिसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज क्यू लिया, ठीक,
ओके देखो, तो इसमें क्यू चार्ज लिया, क्यू चार्ज लिया, एक फेयर ले लिया, करने का जा रहे हैं, चाहते क्या हैं, टॉपिक क्यों कर रहे हैं भाई? गाड़ी में बिठा लिया आपको और शुरू में कहा था दिल्ली जाना है, अब रास्ते में पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं, तो अभी कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, गॉस थ्योरम को क्या कर रहे हैं, गॉस थ्योरम बता रहा हूँ, प्रूफ, और गॉस थ्योरम का प्रूफ जो है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके मन में दुविधा ना रहे कि गॉस ने शायद कुछ गलत किया, अदरवाइज़ ये पार्ट नहीं था हमारा, अदरवाइज़ हमने तो ई निकालना था, हमारा मेन पर्पज तो ई निकालने का था, पर गॉस का इसलिए रिजल्ट है ताकि लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी होती है, यार ऐसे कैसे हो गया, बहुत लोग ये बहुत लोग सोच विचार करते हैं इसके ऊपर, मैंने बहुत लोग फंसे देखे हैं इसके अंदर, यार ऐसे कैसे कर दिया, कोई बॉडी चेंज कर दी और क्यू एफ नोटी कर दिया, बहुत छोटी बात नहीं है ये, बड़ी बात है कि जब हम फिगर ही चेंज कर देते हैं तो आंसर कैसे सेम रह गया, नंबर ऑफ लाइन सेम कैसे हो सकती हैं, है ना सोचने वाली बात नहीं है? अच्छा ठीक है तो अच्छी बात है, वैसे सोचने वाली बात है ये, ठीक। तो वो कहते हैं एक स्फीयर लो, तो शायद आप इसलिए भी शांत बैठे होंगे कि चलो कर तो रहा है प्रूफ, देख लेते हैं क्या प्रूफ कर रहा है, तो एक क्यू चार्ज लिया और ये एक स्फीयर लिया, तो कहते हैं कि ठीक है आप एक स्फीयर की सरफेस पे एक छोटा सा मेरे नाम का गॉसियन सरफेस ले लो, तो हमने ले लिया डीएस, एंड डीएस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो जहां ई निकालना है वही गॉसियन सरफेस है, तो आप गॉसियन सरफेस जहां मर्जी ले लो ब्लू सरफेस के ऊपर, जहां मर्जी ई निकाल लो आंसर सेम ही आएगा, तो डीएस लिया और जहां ई निकालना है वहां अपने मन में क्या सोचना है, चार्ज कितना पड़ा हुआ है, प्लस वन, अब इस क्यू ने ई कितना लगाया हुआ सरफेस पे, 1/4π³ इट्स अ पॉइंट चार्ज, राइट। तो हम यहाँ पर ई निकालने में इंटरेस्टेड थोड़ी ना है, हम तो गॉस थ्योरम प्रूव करने में इंटरेस्टेड है, तो ई भी पता लग गया गॉसियन सरफेस पे, स्फीयर पे हमें डीएस भी पता है, तो छोटे से सरफेस, छोटा सा जो सरफेस है इसका छोटा सा फ्लक्स क्या होगा बोलो, ई डीएस, स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, ई डीएस कॉस थीटा, जो स्मॉल फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, कोई डाउट इसमें? पहले गॉस थ्योरम प्रूव करने के लिए गॉस थ्योरम थोड़ा लगाओगे, गॉस थ्योरम प्रूव करने के लिए मेरा तरीका लगाओगे ई डॉट डीएस वाला, वो गॉस थ्योरम थोड़ी ना थी, तो ये ई वेक्टर है डॉट डीएस वेक्टर, तो इसके अंदर जो ई वेक्टर है वो इस तरफ है, डीएस भी इस तरफ, तो बोलो एंगल कितने ई और डीएस में, जीरो, ई डीएस कॉस जीरो, राइट, स्मॉल फ्लक्स आ गया, स्मॉल फ्लक्स किसका आया, सिर्फ इस पोर्शन का आया, तो अगर मैं कहूं पूरे ब्लू कलर के सरफेस पे फ्लक्स निकालो, तो पूरे ब्लू कलर के सरफेस पे फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, तो ये फाइ आ गया, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या है स्फीयर के लिए, 4πr² और ई की वैल्यू क्या है, 1/4πε₀Q/r², तो r² से r² 4π से 4π कैंसिल, आंसर क्या आ गया, q/ε₀, तो पूरे स्फीयर का फ्लक्स मैंने कैसे निकाला, अपने तरीके से इंटीग्रेशन से, और मेरा आंसर क्या आ गया, q/ε₀, तो गॉस भी यही कह रहा था ना कि टोटल फ्लक्स क्या आएगा क्लोज बॉडी का, q/ε₀, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो आपको मानना पड़ेगा कि बंदे ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अगला क्वेश्चन शूट करता हुआ आता है, कोन के लिए करके दिखाओ, सेंटर के लिए करके दिखाओ, क्यों, क्योंकि बड़ी चलाकी से आपने जान के स्फेयर लिया और स्फेयर में 4πr² था, आपको पता था 4π और r² कटेगा और आंसर q/ε₀ आएगा, सिलेंडर में 2πr h आता है, कोन में पता नहीं क्या कुछ आता है, क्यूब में पता नहीं क्या आएगा, अब करके दिखाओ तब मानेंगे कि क्यूब, तो गॉस ने जो काम किया वो एकदम सही किया, है ना, पॉइंट है ना, पॉइंट है, आपने तो बहुत सबसे ईजिएस्ट बॉडी ले ली, कटकट आ गया फटाफट आंसर आ गया, सही है, ठीक है सही है। तो इसके लिए आपको देखो, तो क्यूरियोसिटी आपकी है और उसको शांत भी आप ही नहीं करना है, ठीक है, इंसान है ना तो अपने आप ढूंढ लेगा रास्ते, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ, ये पोर्शन सिर्फ CBSE का है, CBSE कहती है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो सिर्फ स्फीयर के लिए प्रूफ कर देना, पर आप
अपने इच्छा से करना चाहते हो कोन के लिए भी, अपने इच्छा से करना चाहते हो सिलेंडर के लिए भी, हर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी और कोई रैंडम बॉडी के लिए भी जिसका एरिया ही आपको पता नहीं, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्योंकि बॉडी थ्री डी है, सेंटर पे एंगल जो है वो टू डी में तो लाइन में एंगल होता है ना, इसमें सरफेस एरिया के एंगल्स हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या सीखना पड़ेगा, सॉलिड एंगल। उस सॉलिड एंगल को सीखने के बाद आप जो बॉडी बोलोगे ना तीन लाइन में आंसर आ जाएगा सेम। तो अब हमारे पास एक तरीका है कि हम अपने क्यूरियोसिटी को ठंडा करने के लिए एक सॉलिड एंगल का ट्रैक पकड़ लें, सॉलिड एंगल देखें, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज लें और पता नहीं आराम आराम से वो कॉन्सेप्ट को सीखें, फिर घूम फिर के वापस आएं कि हम सर कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तब तक तो यार कहानी है, ट्रैक आउट ऑफ ट्रैक ही हो जाएगी गाड़ी। तो मैं यहाँ स्फीयर के लिए मैंने प्रूव कर दिया, सॉलिड एंगल वाला कॉन्सेप्ट मैं इसके बाद करवाऊंगा अपने टॉपिक्स के बाद, क्योंकि मैं मेन जो आना नहीं पेपर में सॉलिड एंगल, हाँ ये बता दूँ। आप ये सोच रहे हो कि पेपर में आया, नहीं पेपर में नहीं आएगा, आपकी इच्छा है वो आपको आपके लिए करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं करवाता नहीं हूँ, अभी नहीं करवाऊंगा मैं किसी भी बॉडी के लिए प्रूव करके दिखा दूंगा, चाहे कोई बॉडी देंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन आज नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरे को कुछ और करवाना है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा काम है, वो नॉट पार्ट ऑफ कोर्स कहूंगा मैं, कोर्स का पार्ट नहीं है, तो उसको अलग से करेंगे, ठीक है। पर हाँ आपको अभी मेरे पे विश्वास रखना पड़ेगा और गॉस पे विश्वास रखना पड़ेगा कि उसने ऐसा सच में करके दिखाया, डन। तो मान लें कैसा होता है। तो ये करने के बाद तो हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में, तो हमारी समस्या क्या थी, देखो ऐसे चैप्टर नहीं बनते, साइंस ऐसे नहीं बनती। कोई बंदा वेला बैठा था, गॉस में गया, यार काम तो है नहीं करने के लिए, चलो गॉस थ्योरम बना देते हैं, बच्चे कुछ पढ़ ही लेंगे, ऐसा तो है नहीं यार। क्यूरियोसिटी है, उसने सोचा कि यार वो भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहा होगा अपनी ज़िंदगी में, यार वो फंस गया होगा स्फीयर स्फीयर को लेके, तो भाई नई टेक्निक निकालते हैं। तो उसने गॉस थ्योरम, उसने फ्लक्स को स्टडी किया, गॉस थ्योरम का शॉर्टकट दिया, और अब मेरे वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर ये क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी के अंदर क्यू चार्ज है, तो फ्लक्स जो है लाइंस कहाँ निकलेंगी, बॉडी के बाहर। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स। बाहर के जाने फ्लक्स को क्या बोलते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स। इट्स नॉट ज़ीरो, इनवर्ड फ्लक्स या आउटवर्ड फ्लक्स टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि इस लाइन ने एक बार कट किया इस सरफेस पे, दो बार नहीं किया, तो इसका आउटवर्ड फ्लक्स काउंट होगा। एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, आउटवर्ड फ्लक्स। लाइंस बाहर निकलेंगी तो पॉजिटिव चार्ज इनसाइड अ बॉक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, बाहर की तरफ फ्लक्स है। उल्टा ये बोलना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा फ्लक्स है। नेक्स्ट माइनस चार्ज, इमेजिन करो इन्फिनिटी से लाइन्स आ रही है और माइनस में एंटर कर रही हैं, तो कौन सा फ्लक्स है, इनवर्ड फ्लक्स। नेक्स्ट एक नेगेटिव नेगेटिव, मोर इनवर्ड फ्लक्स, और लाइंस एंटर करेंगी, मोर इनवर्ड फ्लक्स। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अब पॉजिटिव चार्ज लाइंस को बाहर फेंकेगा, नेगेटिव चार्ज की में से में लाइंस एंटर करेंगी, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जितनी लाइंस बाहर जा रही हैं उतनी लाइंस अंदर एंटर, तो नेट फ्लक्स क्या है, जीरो। ये डायग्रामेटिकली मैंने बताया नेट फ्लक्स जीरो है। गॉस थ्योरम लगाएं, गॉस थ्योरम क्या कहती है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, जीरो, है ना, कैंसल। तो मैथमेटिकली ठीक तो बोल रहा है कि नेट फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। क्लियर है यहाँ तक, और डायग्राम से भी बिल्कुल समझ में आ रहा है, सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो पढ़ क्यों रहे हैं, नो फ्लक्स। इसमें एक शीट है पीछे, शीट एक शीट है पॉजिटिव, ये रही शीट, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज शीट से लाइंस बाहर निकलेंगी, सीधा ऐसे बाहर निकल रही हैं। इसके आगे आपने एक बॉडी को लगा दिया, जैसे ये रही बॉडी, तो ये पूरा ये पैनल जो है पॉजिटिव चार्ज है, लाइन सीधी बाहर निकल रही है परपेंडिकुलरली, और आपने रख दिया सामने। अब सोचो जो लाइन इसमें पीछे एंटर कर रही है वो लाइन यहाँ से एग्जिट भी कर रही है, इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो जितनी लाइन इसमें एंटर करेंगी, तो जो बाहर निकलगी वो तो इसको फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी नहीं,
तो मान लो यहां से लाइंस एंटर की, यहां से लाइंस बाहर आ गई, ठीक है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा इसका? जीरो, ठीक है, यहां तक इसका बॉडी का नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो। वैसे भी ये बताओ इस बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, तो गॉस थ्योरम कहती है इसका फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो। पर मैंने आपको लॉजिकली भी समझाया ऐसा क्यों होगा, क्योंकि लाइन एंटर करेंगी और वही लाइन एग्जिट भी करेगी, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब पॉइंट ये है कि इसके अंदर हमने पहला पॉइंट क्या सीखा कि फ्लक्स निकालने के अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ई डॉट डी एस, पहला तरीका ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन से आ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर बॉडी क्लोज्ड है तो क्लोज बॉडी के लिए गॉस थ्योरम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ओपन बॉडी है ई डॉट डी एस, क्लोज बॉडी है तो क्यों करें इंटीग्रेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ऐसा नहीं कि ओपन बॉडी का फ्लक्स निकलता नहीं है, इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ती है, राइट? और हमने अपने तसल्ली के लिए गॉस थ्योरम का प्रूफ देख भी लिया, सही है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, आएंगी इसमें पांच एप्लीकेशन, पांचों की पांचों में से एक आएगा। पूरे चैप्टर पे स्टार लगा लेना, ये मत पूछना इसमें से क्या करके जाऊं, मुझे खुद नहीं पता क्या देगा, सारे इंपॉर्टेंट है। पहला, अब मैं क्या करने वाला हूं, क्या एप्लीकेशंस हैं ये बताता हूं। एप्लीकेशंस ये हैं कि सपोज आपके पास, पहली एप्लीकेशन है कि मान लो आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर है, ठीक, और मैं इसके आर डिस्टेंस दूर क्या निकालना चाहता हूं, ई E. ये पहली प्रॉब्लम है। आपको ये प्रॉब्लम तो लास्ट टाइम करवाई थी आपने, फॉर्मूला मैंने याद करो इसका प्रूफ नहीं करवाया था आपको, बड़ी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थी, वो दिखाया था, याद करवा दिया रिजल्ट, लेकिन मैंने कहा था प्रूफ रहने दो। तो आज मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ तीन लाइन में। वो जो लंबा प्रूफ था वो बताने के लिए था, अगर आप नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज करते हो वो बहुत लंबी इंटीग्रेशन है, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप गॉस थ्योरम यूज करते हो तो तीन लाइन में आंसर आएगा। तो हम इसकी वजह से क्या निकालेंगे यहाँ पर, ई, इसको लाइन चार्ज बोलते हैं। दूसरी एप्लीकेशन क्या करेंगे, हम एक चार्ज्ड शेल लेंगे, ठीक, शेल, कंडक्टिंग शेल, हॉलो शेल है, इसके आर डिस्टेंस दूर बाहर ई निकालेंगे, इसके सरफेस पे ई निकालेंगे, और इसके सरफेस के अंदर कहीं भी पॉइंट पर ई निकाल लेंगे, ठीक। अब वो ग्रेविटेशन जैसे फीलिंग तो नहीं आ रही, अच्छा ग्रेविटेशन याद ही नहीं, फीलिंग कहाँ से आएगी अभी। ग्रेविटेशन के अंदर किया था, ग्रेविटेशन चैप्टर में अर्थ के अंदर ई निकालना, सरफेस पे ई निकालना, बाहर ई निकालना, टॉपिक का नाम बोलो, क्या टॉपिक था ग्रेविटेशन में? ना एक स्पेशल नाम दिया था, शेल थ्योरम। शेल थ्योरम सुनिए ग्रेविटेशन में, शेल थ्योरम्स पूछूंगा नहीं क्या होती हैं, नाम सुने शेल शेल करते थे कुछ, शेल थ्योरम यही तो बताती थी कि अर्थ के शेल, अर्थ अगर शेल हो, खाली हो, हॉलो, उसकी वजह से ई निकालो अंदर बाहर और हर तरफ। तो मैंने उस टाइम भी प्रूफ नहीं करवाया था, शेल थ्योरम कहा था प्लस टू में करेंगे, लो प्लस टू आ गई, पता ही लगा ना प्लस टू आ गई, तो ला टाइम आ गया इसका प्रूफ करने का। अब हम क्या करेंगे, ई निकालेंगे हर जगह पर। तीसरी एप्लीकेशन, और सब में ई निकलेगा बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तीसरी एप्लीकेशन, एक सॉलिड स्फीयर लेंगे, एक सॉलिड स्फीयर लेंगे, हॉलो नहीं, सॉलिड, जो सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज है ना, इसका मतलब सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग। आपको नॉन कंडक्टिंग, ये क्या फर्क क्या पड़ता है यार, स्फीयर के अंदर चार्ज है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है,
किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता। किसी भी कंडक्टर, अगर ये कंडक्टिंग होगा ना, लोहे का स्फेयर है, इसके अंदर चार्ज टिक ही नहीं पाएगा। आप भरते रहो अंदर चार्ज, क्यों? क्योंकि चार्जेस आर फ्री टू मूव, कंडक्टर है, और अल्टीमेटली एक दूसरे को रिपेल कर करके कहाँ पे आ जाएंगे? सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। तो कंडक्टर के ऊपर चार्ज आ सकते हैं, सरफेस के अंदर चार्ज कभी नहीं होता। नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स के अंदर चार्ज आर नॉट फ्री टू मूव। तो चार्ज एक बार आपने भर दिया तो वहीं रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता कंडक्टर में। तो बाहर के बाउंड्री के इलेक्ट्रॉन इसकी डेफिशिएंसी पूरा कर देंगे, और बाउंड्री पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि हम बोलेंगे चार्ज फ्लो कर गया सरफेस पे। कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं होता। कहाँ होता है कंडक्टर के? हमेशा सरफेस पे। और नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज हो सकता है। तो जब मैं इस चैप्टर में बोलूँगा कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज है, तो कोई ये पूछे ही ना टेस्ट के अंदर कि सर ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, तो इसका मतलब पक्का वो नॉन कंडक्टिंग है। और अगर मैं ये कहूँगा कि ये एक शेल है जिसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, और पेपर में लिखा नहीं कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, तो पक्का वो कंडक्टिंग ही है। सरफेस के ऊपर तो कंडक्टर्स पे ही काम करते हैं हम। तो इससे आपके टॉपिक में ना कंडक्टिंग शेल्स करके टॉपिक है, कंडक्टिंग शेल्स। तो समझ में आ गया यहाँ तक? हम क्या निकालने वाले हैं? इस चार्ज के बाहर ई, इसकी वजह से ई, सरफेस के ऊपर ई, और इसके अंदर कहीं पर भी ई। ये मुझे निकाल, ये निकालना है मुझे, राइट? तो नॉर्मल मेथड नहीं काम आएंगे, पॉइंट चार्ज नहीं है ना, खत्म हो गया, गॉस थ्योरम हेल्प करेगी। लास्ट, नेक्स्ट, एक मैं आपको शीट दूंगा, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। शीट समझते हो, थिन शीट, कोई भी एक पतली शीट, प्लस चार्ज है। इस शीट के आर डिस्टेंस यहां या यहां क्या निकालना होगा? ई, राइट लेफ्ट कहीं पर भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। नॉर्मल तो आप सोच भी नहीं सकते इनको कैसे करेंगे, राइट? तो इस चैप्टर में ये चार एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी, और आज हम इसमें से कम दो तीन एप्लीकेशन तो खत्म कर ही देंगे। हो सकता है चार की चार भी खत्म हो जाए, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक जैसी है सारी। ठीक है यहाँ तक? तो करें स्टार्ट। तो आज का पर्पस समझ में आ गया। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ इस चैप्टर को करवाने के बाद कि हमें पॉइंट चार्ज की वजह से ई निकालना आता है, एक रिंग के एक्सिस पे भी ई निकालना आता है, डिस्क के एक्सिस पे ई निकालना आता है, आर्क की वजह से ई निकालना आता है, स्ट्रेट वायर की वजह से ई निकालना आता है, और अब मैं साथ में ये भी ऐड करूँगा, लाइन चार्ज की वजह से भी ई आता है, शेल की वजह से भी ई आता है, सॉलिड स्फीयर की वजह से भी ई आएगा, और हीट की वजह से भी ई आएगा। तो यानी कि आपकी लिस्ट अब ई निकालने की और लंबी हो गई। फिर आप कहोगे फिर और कुछ रह गया हो? नहीं भाई, ई यहाँ तक है बस, इसके साथ ही ई का काम क्लोज। ठीक है, तो आपके कंपटीशन, आपके एनसीईआरटी वाले इन्हीं फिगर्स में से ही आपका क्वेश्चन बना के आपको देंगे। क्या बना देंगे, कितना ही बना देंगे, तो आप इसको पढ़ लें, पेपर ठीक हो जाएगा। ठीक, तो बस यही लिस्ट है। तो वापस चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पहली एप्लीकेशन, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर का मतलब लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या लाइन चार्ज। ठीक है, और वायर ऑब्वियसली लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस पे होता है? वायर पे। और ये वायर का साइज मैंने क्या लिया? इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट वायर है। इस इनफाइनाइट, आपको ये तो सिलेंडर है यार, ये वायर कहाँ से होगी इनफाइनाइट? ये सिलेंडर नहीं है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन तो यही है, बस ये है एक्चुअल में, बस ये क्वेश्चन है। इनफाइनाइट बहुत लंबी वायर है, और आपको आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है? ई। और आर कौन सा डिस्टेंस? इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? क्वेश्चन सेम है जो लास्ट टाइम किया था, पर बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। पॉइंट नंबर वन, इस पूरी वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है? लेंथ वाइज। और लेंथ वाइज डेंसिटी क्या यूज करते हैं?
लैम्डा, लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, समझ आ रहे हैं यहाँ तक? तो लैम्डा, तो इसमें लैम्डा की फॉर्म में आंसर आएगा, इसका मतलब हम देखो बताता हूँ कैसे होएगी। ये देखो r डिस्टेंस दूर, गॉस ने क्या कहा था कि अगर r डिस्टेंस दूर जहाँ आपको e निकालना है वहाँ मेरे नाम की क्या लेनी है, गॉसियन सरफेस, ले लो गॉसियन सरफेस, ये लो। अब कोई स्टूडेंट कहेगा ये थोड़ी ना, ये भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकती है, कहेगा ये भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकती है, ऐसे है ना। अगर ये वायर है तो r डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है, तो ठीक है सारी गॉसियन सरफेस को मिलाना तो क्या बनेगा, इमेजिनरी सिलेंडर, देख रहे हो, मिला दिया, दिखना नहीं कुछ भाई, बस माइंड गेम है सारी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ये वायर है, इस वायर से आर डिस्टेंस दूर डीएस 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 सभी इस साइड के डीएस 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 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इमेजिनरी सिलेंडर। और सिलेंडर इज अ क्लोज्ड बॉडी, ये गॉसियन लगाने के लिए क्या कंडीशन है, यू हैव टू टेक अ क्लोज्ड बॉडी, और क्लोज बॉडी तो बनानी पड़ेगी, ठीक अभिजीत, ठीक है। तो क्लोज बॉडी तो मैंने क्या बनाया, इन सभी को ज्वाइन कर दिया, सभी को ज्वाइन किया, तो इमेजिन करो क्या बना, एक गॉसियन सिलेंडर। तो ये फिगर समझ में आई, तो इस फिगर में ये सिलेंडर कुछ नहीं है एक्चुअल में, तो ये वायर ही है एक्चुअल में, ये तो बस एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दिया। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब रूल नंबर वन, रूल नंबर वन ये कहता है कि आपको आर डिस्टेंस इधर या इधर आपको क्या निकालना है, ई निकालना है, ठीक है। तो जहां आपको ई निकालना है वहां इमेजिन करना है चार्ज कितना पड़ा हुआ है, प्लस वन, कहीं भी कर लो, ये लो प्लस वन प्लस वन। तो गॉसियन सरफेस कंसिडर करो कितनी, यहां पर डीएस, गॉसियन सरफेस यहां पर स्मॉल डी, तो डीएस, एंड डीएस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो डीएस कहां पर है, टुवर्ड्स राइट। ऐसे यहां पर भी क्या होगा, डीएस, ऐसे डीएस, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अच्छा ये बताओ इसमें, इस सरफेस में, ये टॉप की सरफेस है, टॉप की सरफेस में डीएस की डायरेक्शन कहां होगी, राइट लेफ्ट ऊपर की नीचे, क्या लाइट लेफ्ट, लाइट या लेफ्ट होगी, नहीं होगी। इसका एरिया कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर, अगर एरिया ऐसा है तो ऊपर, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो इसका डीएस कहाँ होगा, ऊपर। और ऐसे अगर यहाँ गॉसियन सरफेस लेंगे तो एरिया कहाँ पर होगा, नीचे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, देखो साइड वाले का तो फिर साइड पे जाएगा साइड वाले का साइड पे जाएगा, टॉप वाले का ऊपर या नीचे होगा, इमेजिन कर पा रहे हो इसे, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि क्या ये क्लोज बॉडी बन गई, हाँ इमेजिनरी तो बन गई, इसका फ्लक्स निकाल लो, आपको फ्लक्स कैसे, इंटीग्रेशन से निकालो। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कर्व्ड सरफेस की अलग करोगे, इसकी अलग करोगे और इसकी अलग करोगे, तीन तीन एरियाज है ना इसमें अलग अलग। देखो इंटीग्रेशन में 3D बॉडीज में ऐसा नहीं होता ना, ये एक ही बार लगाया लूप और खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। तोड़ो इसे, कर्व्ड सरफेस अलग है, टॉप का क्रॉस सेक्शन अलग है, बॉटम का क्रॉस सेक्शन अलग है। मैं इसका फ्लक्स अलग निकालूंगा बाय इंटीग्रेशन, इसका अलग निकालूंगा और इसका अलग निकालूंगा। इसमें जो टॉप की सरफेस है, जो टॉप की सरफेस है, जो ई वेक्टर, तो इधर ही होगा, राइट होगा, क्यों, क्योंकि मुझे r डिस्टेंस दूर e तो यहीं निकालना है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो e वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है और ऐसी है, राइट। e वेक्टर समझ में आ रहा है, चार्ज के परपेंडिकुलर जाएगी लाइंस, लेकिन एरिया वेक्टर इसमें अगर लिया जाए तो वो कैसा है, ऊपर है। तो बताओ e और ds में एंगल कितना है, 90। तो इसका अगर फ्लक्स कैलकुलेट कर भी लेते हैं तो ई डी एस कॉस ऑफ 90 आंसर क्या आएगा, इसका मतलब टॉप की सरफेस में कोई फ्लक्स आएगा ही नहीं, पर निकालना तो फर्ज था ना, हाँ ना आए ना आए, आंसर जीरो आ गया तो चलो ठीक है, काम ही खत्म हुआ। उसी तरीके से बॉटम की, अगर यहाँ ई निकालना है प्लस वन, तो
तो ई वेक्टर ऐसे है, ds वेक्टर इसमें कैसे है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ई और ds में इसमें भी एंगल कितना है 90, तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा 0, कोई डाउट इसमें? तो अब क्या बचा, कर्व्ड सरफेस, तो ऊपर और नीचे की सरफेस तो गई, कर्व्ड सरफेस, तो ये फ्लक्स अब किसका निकलेगा, कर्व्ड सरफेस का, कैसे, कर्व्ड सरफेस में ई वेक्टर कहाँ है राइट, ds भी कहाँ है राइट, ई और ds में एंगल कितना है 0, दोनों राइट राइट 0, तो क्या बनेगा ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, इंटीग्रेशन करें, टोटल इंटीग्रेशन ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, और इंटीग्रेशन ऑफ ds में कर्व सरफेस एरिया में इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा 2 पाई आर एल, आपको के लेंथ, लेंथ कहाँ से आ गई, वायर तो इनफाइनाइट है, तो मैंने मैंने इसमें जो वायर को कंसिडर किया, जो मैंने इसमें वायर कंसिडर की इनफाइनाइट है, पर फॉर एन एक्सपेरिमेंट मैंने जो लेंथ कंसिडर की वो कितनी की सिर्फ एल, फॉर एन एक्सपेरिमेंट मैंने जो लेंथ कंसिडर की वो क्या की सिर्फ एल, आप कहोगे एल लेकिन उसने इनफाइनाइट कहा था, आपने एल क्यों ली, मैं प्रूव कर दूंगा एल में, इसमें एंड में, कि लेंथ मैटर नहीं करती, एक्सपेरिमेंटली मैंने एल ले लिया, नहीं तो इनफाइनाइट सिलेंडर का कैसे करूंगा सॉल्व, ठीक, तो यहां तक क्लियर है, टोटल फ्लक्स आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया का, अब गॉस कहता है इतना करने की जरूरत क्या थी, यार मेरे से पूछ लेते इसका फ्लक्स क्या, मैं तो एक मिनट बता ही देता, कैसे बताता, मैंने कहा इसका फ्लक्स निकाल दे, अब निकाल दे, गॉस कहता ठीक है, क्या ये क्लोज बॉडी है, यस, तो कह रहा ठीक है अगर क्लोज बॉडी है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्या है, आप बस ये बताओ कि इस सिलेंडर के अंदर अंदर कितना चार्ज, ये मत बताना कि बाहर कितना चार्ज है, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, जो भी चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना, फ्लक्स आ जाएगा, अब चार्ज है कितना इसमें, लैम्डा इंटू एल कर दें, क्योंकि एल लेंथ है और डेंसिटी कितनी है इसकी लैम्डा, तो लैम्डा इंटू एल क्या हो गया इसका, लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, इसका चार्ज आ गया, उसने कहा ये फ्लक्स है, अरे मैंने तो कैलकुलेट ही कर लिया फ्लक्स, उसने कहा कितना, मैंने कहा इतना, उसने कहा मैंने पूछा तेरा कितना है, वो कहता इतना, चलो दोनों मिल जाते हैं, ये मेरा तरीका ये उसका तरीका, दोनों को मिला लिया, एक ही बात है एल से एल, तो ठीक है ना, लेंथ मैटर नहीं कर रही, ई आ गया, आप अपने ना कॉपी चेक कर लेना, ई निकालने की बड़ी गंदी इंटीग्रेशन दिखाई थी पिछले लेक्चर में, करवाई भी नहीं खुद की करवाई नहीं, और वही काम इसने सिर्फ दो लाइन में खत्म कर दिया, है कि नहीं कमाल की चीज, ई आ गया इनफाइनाइट वायर का, डेरिवेशन आने वाली है पेपर में 3 नंबर की, टू कैलकुलेट ई ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, फॉर्मूला याद करो, एक हाँ जी क्लियर है यहाँ तक, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे किया इसे, ठीक, ओके ठीक है यहाँ तक, तो ई निकालना आ गया, क्लियर है ई तक, कोई डाउट इसमें? तो आपने एक चीज़ नोट की, एक बार ई हमने इंटीग्रेशन से निकाला, एक बार ई हमने गॉस थ्योरम से निकाला, और दोनों को इक्वेट कर दिया, हर टॉपिक में यही करना होता है। फिर देखो, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू निकालनी है,
ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल शेल. ठीक है, अब शेल का मतलब अंदर से भरा हुआ कि खाली? खाली, शेल खाली होता है. और शेल के चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? ओवर इट सरफेस एरिया. क्लियर है, सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज है. तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस एरिया पे. तो डेंसिटी कौन से यूज़ करेंगे? सिग्मा. सिग्मा क्या होगा? कितना चार्ज है और कितना एरिया है. स्फेयर का रेडियस कितना है? कैपिटल आर. तो एरिया कितना है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो सिग्मा क्या होगा? चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? ठीक. तो ये आपके पास टर्म है और मुझे ई निकालना है. मुझे ई कहाँ निकालना है? इस शेल के. और सारे डिस्टेंसेस शेल के कहाँ से लिए जाते हैं? फ्रॉम सेंटर. तो शेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मुझे ई निकालना है. शेल का रेडियस कितना है? कैपिटल आर. तो हम तीन केस करेंगे इसमें. एक बार पॉइंट कहाँ लेंगे? शेल के बाहर. एक बार कहाँ लेंगे? शेल के ऊपर. एक बार कहाँ लेंगे? शेल के इनसाइड. जब मैं बोलता हूँ कि शेल के बाहर बाहर, तो यानी कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर. जब शेल के सरफेस के ऊपर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर. और अगर इनसाइड, तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर. तो ये रीडिंग रीड करना आ रहा है टर्म, कैसे इसको रीड करना है. क्लियर है? ठीक. तो ये आपने याद रखना है इसमें. ठीक. तो क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो केस नंबर वन क्या केस है? स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर. स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब है कि इसमें जो पॉइंट है वो शेल के बाहर कहीं लाए करता है. सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने हैं? फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल. तो रूल नंबर वन, ये आपने ब्लू कलर मैंने पेन यूज किया है एक्चुअल स्फीयर के लिए. लाल पेन शो करता है गॉशियन इमेजिनरी स्फीयर के लिए. मैंने आपकी तो ब्लैक एंड व्हाइट है, मैंने अपनी शीट में ऐसे किया है. ठीक. तो देखो, एक्चुअल स्फीयर ये था कैपिटल आर, और ये क्या है? स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मुझे क्या निकालना है? ई निकालना है. तो रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आपको सपोज ये रख आर, ये लो, सॉरी, ये देखो, ढूंढना है स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई ढूंढना है. तो आपने गॉशियन सरफेस कहां पे लेना है? एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर. इन सब ऑब्वियसली स्मॉल आर बाहर अंदर कहीं भी हो सकता है. तो इन सभी को अगर आप मिलाते हैं तो क्या बनता है? गॉशियन सरफेस एक इमेजिनरी स्फीयर. देखो ना, ये एक्चुअल स्फीयर है. स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये गॉशियन है, ये गॉशियन है, गॉशियन गॉशियन जहां पे ई निकालना है गॉशियन है ना. और आप क्या निकालना चाहते हो? ई. तो आप सभी इन गॉशियन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? इमेजिनरी स्फीयर. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने एग्जैक्टली यही किया हुआ है. ये एक्चुअल स्फीयर है. स्मॉल आर डिस्टेंस दूर गॉशियन, गॉशियन गॉशियन गॉशियन, अंदर बाहर हर तरफ. ये बोर्ड पे तो सर्कल लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये 3D स्फीयर है. तो ये रेड कलर की लाइन को जब सारे एरियाज को मिलाया तो इमेजिनरी क्या बना? गॉशियन सरफेस. क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इसमें इमेजिनरी गॉशियन सरफेस बन गई. तो हमने क्या निकालना है? ई. रूल नंबर वन, आप क्या इस रेड, देखो रेड कलर का स्फेयर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता. रेड कलर का स्फेयर इमेजिनरी स्फेयर है, राइट? तो रेड कलर का स्फेयर इमेजिनरी है. तो इसमें ये स्मॉल गॉशियन सरफेस में स्मॉल फ्लक्स निकलेगा. क्या निकलेगा? अब जहां आपको ई निकालना है, जहां आपको ई निकालना है वहां इमेजिन करना है चार्ज कितना है. +1 ++1 को रिपेल करेगा बाहर, तो ई वेक्टर बाहर है. और ds वेक्टर तो वैसे ही परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. तो e और ds में एंगल कितना है? 0.
क्लियर है यहाँ तक? ई और डी एस में एंगल जीरो। तो इस सरफेस के लिए डी फाई क्या है? ई डी एस कॉस जीरो। तो स्मॉल फ्लक्स आ गया। अच्छा, पूरी रेड कलर की सरफेस, गॉशियन सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन फाई देगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा? फोर पाए छोटा आर स्क्वायर। आर नहीं बोलना, छोटा आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि किसका फ्लक्स निकाल रहे हैं? रेड कलर की सरफेस का। रेड कलर की सरफेस इज इमेजिनरी गॉशियन सरफेस। तो फ्लक्स किसका निकलता है? गॉशियन का। तो गॉशियन का रेडियस कितना है? छोटा आर। ठीक है, तो रेड कलर का एरिया कितना है? फोर पाई छोटा आर स्क्वायर। और फ्लक्स किसका निकला? गॉशियन का, रेड का। तो ये रेड बनाया मैंने, एरिया भी देखो रेड में लिया, ये रहा रेड कलर में यूज किया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो फ्लक्स हमने निकाल दिया इस गॉशियन सरफेस का। अब गॉस थ्योरम कहता है इतना करने की जरूरत क्या थी? अब मेरे से पूछ लेते, ये रेड कलर की सरफेस क्या ये क्लोज बॉडी है? बिल्कुल है। तो बता दो इसमें कितना चार्ज है? अगर हमने कहा इसका तो चार्ज ही नहीं, तो हवा में बातें हो रही हैं। करे कुछ तो होगा। हाँ है, नीले रंग की सरफेस पे चार्ज है। तो कोई बात नहीं, है तो इसके अंदर ही ना। तो नीले रंग की सरफेस पे कितना चार्ज है? जो भी चार्ज है क्यू इनसाइड, कितना आएगा चार्ज? कितने कौन से एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? बस यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ये देखो ये। और इसका एरिया कितना है? फोर पाए आर स्क्वायर। इसको अगर सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें, सिग्मा का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। वो एरिया से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज। तो ये देखो q इनसाइड की जगह क्या आ गया? टोटल चार्ज सिग्मा इंटू फोर पाए आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में आ रही है यहां तक? तो चार्ज में निकालते हुए आर का खास ध्यान रखना है, गड़बड़ हो जाएगी आर में, बता रहा हूं। जब आपने फ्लक्स निकालना है वो गॉशियन का निकालना है, गॉशियन का रेडियस छोटा आर है। जब आपने चार्ज निकाला तो एक्चुअल में चार्ज कैपिटल आर के ऊपर है, तो आपने एरिया क्या यूज किया? फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये स्टेप भी क्लियर है। तो अब फ्लक्स आपने दो तरीके से निकाल लिया, दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, फोर पाई से फोर पाई कैंसल हो गया, ई आ गया। फॉर्मूला याद करो, ई कर लो ऐसे, एक मिनट में ई आ गया। कहाँ आप इतनी इंटीग्रेशन, डायपोल इतनी बड़ी इंटीग्रेशन करता था, ये तो एक मिनट में हो गया काम खत्म। सही है, एक बार हम फ्लक्स निकाल लेंगे, एक बार गॉस निकालेगा, इक्वेट करेंगे, ई आ जाएगा। है कि नहीं कमाल की चीज़ बनाई उसने? तो ई का फॉर्मूला क्लियर है, आएगा टॉपिक ये भी। तो ई का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अभी तो रिजल्ट आधा हुआ ना, आधा क्यों? क्योंकि अभी हमने पॉइंट कहाँ लिया? इस शेल के बाहर। शेल के ऊपर आ जाएं, शेल के ऊपर का मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो जब छोटे आर को कैपिटल आर पुट करेंगे यहाँ पे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसल, तो आंसर ई की वैल्यू आ गई। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट कहाँ था? बाहर। अगर सरफेस के ऊपर आना है तो पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो फॉर्मूले के अंदर कुछ करना ही नहीं है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। हाँ कट गया, ये आंसर। तो सरफेस के ऊपर आंसर आगे देखो के दिखाया, सरफेस के ऊपर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कैंसिल आंसर। तो सरफेस के अंदर, सरफेस के बाहर ही आ गया, सरफेस के ऊपर भी ई आ गया, दो केस हो गए। अब इस शेल के इनसाइड चलते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर ई निकालते हैं। तो अगर इस शेल के इनसाइड ई निकालें तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो क्या करेंगे? ये एक्चुअल स्फीयर था ब्लू कलर का, अब पॉइंट कहाँ पर है? इसके इनसाइड है। तो अगर पॉइंट इसके इनसाइड है, यहाँ कहीं है, तो आप गॉशियन सरफेस कहाँ लेंगे? इसके इनसाइड लेंगे, है ना, इनसाइड लेंगे। तो गॉशियन सरफेस इनसाइड लेंगे, और जब इस सभी गॉशियन को मिलाएंगे तो रेड कलर की इमेजिनरी गॉशियन सरफेस बनेगी ये स्फीयर, राइट? तो अगेन फिर से इसका स्मॉल सरफेस एरिया, एरिया परपेंडिकुलर ऐसी बनेगा। तो आप जब इसका फ्लक्स निकालेंगे रेड कलर का, तो इंटी स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो। ई और डी एस में वैसे एंगल जीरो ही बनता है ज़्यादातर, आप देखो शेल्स के केस में, क्योंकि ई और डी एस में एंगल हमेशा पॉजिटिव चार्ज है ना, लाइन भी बाहर निकालेगा, एरिया भी बाहर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ई डी एस कॉस जीरो। इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब गॉस क्या कहता है? इतना करने की जरूरत क्या है? मेरे से पूछो कि क्या ये क्लोज बॉडी है?
मैंने कहा हाँ ये क्लोज बॉडी है, इसके अंदर चार्ज कितने हैं? मैंने कहा कुछ है ही नहीं। तो चार्ज गए, चार्ज तो बाहर रह गया, गॉसियन सरफेस अंदर बन गई। अंदर आपको चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। रेड कलर की सरफेस में क्या आपको चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा उसका? जीरो। तो ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू जीरो, तो एरिया तो कैंसिल हो ही जाएगा जीरो, तो ई की वैल्यू क्या आएगी? शेल के अंदर, एक शेल के अगर सरफेस के ऊपर चार्ज है ना, तो उसके इनसाइड कोई मर्जी पॉइंट ले लेना, ई क्या रहेगा? जीरो। इसको ही तो ग्रेविटेशन में बोलते थे शेल थ्योरम। शेल थ्योरम ये तो बोलती कि अगर एक शेल लेते हो, एक खाली शेल के अंदर ई एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाहे वो ग्रेविटेशन की वजह से हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से हो। समझ में आया यहाँ तक? तो शेल के इनसाइड देखते ही कोई पूछ ले ये शेल है, शेल के अंदर ई क्या है? जीरो है ही नहीं। चार्ज ही बाहर रह गया तो ई कहां से अंदर आएगा? और थ्योरी में समझाऊं एक लाइन में, लो एक लाइन में समझा देता हूं। ये रहा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ये रहा, राइट? ठीक, लाइंस कहां जा रही हैं? बाहर ही जाएंगे, अंदर थोड़ा जाएंगी, इन्फिनिटी तक। अंदर लाइन ही नहीं है तो ई कहां से आएगा? लाइन तो बाहर चली जाएंगी इन्फिनिटी तक, तो ई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, किसी भी शेल के इनसाइड ई इज जीरो। अब हमने तीन केस कर लिए, किसी भी शेल के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर ई क्या होगा? फॉर्मूला देख लिया आपने, सरफेस के ऊपर ई क्या होगा, सरफेस के इनसाइड ई क्या होगा? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आपको याद रखना आसान हो जाए, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला भी यूज कर लिया। भाई फोन फोन तो तभी खुश हो रहा है, मैं भी कहूँ फिजिक्स की क्लास में खुश कौन होता है इतना? क्या व्हाट्सएप पे चुटले से खी आ रहा है यार, ऐसा नॉल खुशी बहुत है आज। ठीक, पहले मेरे को लगा कि यार फ्लक्स ज़्यादा समझ में आ गया आ गया। ठीक है, तो देखो, तो ये आपके सामने शेल है, इस शेल के स्मॉलर डिस्टेंस दूर अगर ई निकालना हो तो फॉर्मूला याद हो गया? ये इसलिए लिखा, कॉम्पिटिशन में लोग थ्योरी नहीं पढ़ते ना, सीधा फॉर्मूला देख के याद हो जाएगा, रिजल्ट याद हो जाते हैं। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर याद है, ऐसा भी कर सकते हो। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज क्यू कितने एरिया के ऊपर है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर आप सिग्मा की जगह क्यू बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर पुट करोगे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, सॉल्व करके वही पुराना फॉर्मूला आ गया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी कि ये रिजल्ट तो पॉइंट चार्ज के लिए भी वैलिड है और शेल के लिए भी वैलिड है। तो फिर यही लगा लेंगे ना, शेल के लिए अगर शेल का चार्ज क्यू है तो स्मॉलर डिस्टेंस दूर ई क्या होगा? 1 बाय 4 पाई क्यू बाय आर स्क्वायर। पर ज़्यादातर बुक्स में सिग्मा की फॉर्म में भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ये भी याद करना पड़ेगा। बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर स्क्वायर बाय छोटा आर स्क्वायर, या ये याद कर लो एक ही बात है। सरफेस के ऊपर फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है? चार्ज अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अरे फॉर्मूला सेम आ गया, बस स्मॉल आर की जगह क्या पुट किया यहाँ पर? कैपिटल आर। मतलब बाई चांस ये फॉर्मूला भूल गए, ये तो नहीं भूल सकते। तो सरफेस के ऊपर ई की वैल्यू आ गई इसमें भी। नेक्स्ट है इनसाइड, इनसाइड ई क्या होता है? जीरो, काम खत्म। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पेपर में आएगा ये, कॉम्पिटिशन से लेके सीबीएसई में ग्राफ आता है बनाना। क्या वो कह रहा है? वेरिएशन ड्रॉ करो ई वर्सेस स्मॉल आर। तो जब आप किसी भी स्फेयर की बात करते हो, शेल की, सॉरी ये शेल है, तो अगर आप शेल की बात करते हो और ये कैपिटल आर है, और अगर आपका पॉइंट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पे है, तो ई क्या रहेगा? जीरो। तो ग्राफ देखो, ये सेंटर है शेल का, शेल के सेंटर से कैपिटल आर दूरी तक, शेल के सेंटर से कैपिटल आर तक ई क्या रहेगा? जीरो, है ना? कैपिटल आर तक या लेस देन कैपिटल आर तक ई क्या रहेगा? जीरो, ग्राफ बनेगा ही नहीं ई का। फिर उसके बाद सरफेस से जब आप बाहर जाओगे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये रहा, ई क्या रहेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। फॉर्मूले में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये देखो, सेंटर सरफेस के ऊपर, एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर
ई क्या आता है, मैक्सिमम, और फिर बाहर जाते हो तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये ग्राफ की वेरिएशन याद करनी है कि शेल के इनसाइड ई एग्जिस्ट नहीं करता और आउटसाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट मार्क करो, इससे आएगा ये पेपर में वेरिएशन। ग्रेविटेशन के अंदर भी सेम ही तो था, आप बुकलेट खोल लेना ग्रेविटेशन की, ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए थे वेरिएशन के। अब यानी कि पढ़ेंगे तो कुछ नया पढ़ेंगे सब कुछ, अब कोई वेक्टर यूज़ नहीं होना, अब कुछ भी यूज़ नहीं होना, अब कोई सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, अब सारा बस इस तरीके से चलेगा। ठीक, आसान है वैसे, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, एक टॉपिक आएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब बचाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना। अगर बाहर बिजली कड़क रही हो और आपको उससे बचना हो और पता है कि बिजली गिरने वाली है तो आप कुछ, और आप पे गिरने वाली है तो फिर आप कुछ ना करें, आप अपनी कार बंद करके बैठ जाएं या बंद शेल के अंदर लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाएं, लिफ्ट एक मेटल की, मेटल का एक क्लोज केज है, या किसी केज के अंदर बैठ जाएं, बिल्कुल बंद होना चाहिए मेटल से। बिजली गिरेगी, बिजली चार्ज होता है, चार्ज कंडक्टर के अंदर तो आ नहीं सकता, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर रहेगा और ई की वैल्यू किसी भी शेल के अंदर क्या रहेगी, जीरो, आप बच जाएंगे। तो इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टन रीजन ऑफ स्पेस, किसी स्पेस को बचाना फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। तो उसको बंद कर दो किसी भी बंद कंडक्टर के अंदर तो उसके अंदर ई जीरो रहेगा, अभी हमने डिस्कस किया, जैसे शेल के लिए वैसे किसी भी क्लोज कंडक्टिंग बॉडी के लिए भी वैलिड है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो कार्स, लाइटिंग एटसेट्रा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर तो इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो यही समझा रहा है कि एक हॉलो कंडक्टर के अंदर जाके बैठ जाओ, ई जीरो रहता है, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, अब हमने जो केस किया शेल का वो कंडक्टिंग का केस किया, और हमने क्या निकाला, एक तो लाइन चार्ज की वजह से ई निकाला, फॉर्मूला याद करना लाइन चार्ज का, ई का, फिर हमने शेल का निकाला शेल के इनसाइड निकाला, सरफेस के ऊपर निकाला, सरफेस के बाहर निकाला। अब हम चेंज करते हैं कॉन्सेप्ट, अब हम सॉलिड स्फेयर लेंगे। सॉलिड स्फेयर के अंदर चार्ज है, और कैसे है, सॉलिड स्फेयर के इनसाइड चार्ज, ये गलत बना हुआ है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज नहीं है, अंदर अंदर है, इसको क्रॉस कर लेना, ये गलत है, ऊपर नहीं है, मतलब लिख लेना चाहे नोट गंदा लगेगा, क्रॉस करना, चार्ज इज नॉट ऑन द सर्फेस, चार्ज इज इनसाइड द सर्फेस, सिर्फ अंदर है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्फेस के ऊपर नहीं है, अंदर अंदर है बस। ठीक है, अंदर ही अंदर है। तो जब फिगर ड्रॉ करेंगे, ये मत ड्रॉ करना प्लीज, ये मत करना ड्रॉ, सिर्फ अंदर अंदर ड्रॉ करना वॉल्यूम वाइज। नंबर वन, इसके ऊपर इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। मुझे ई कहाँ निकालना है, इस स्फेयर के, और ये नॉन कंडक्टिंग है, मैंने बोला था कंडक्टर के अंदर चार्ज होता ही नहीं, चार्ज कहाँ पर होगा, अगर चार्ज किसी भी बॉडी के वॉल्यूम के अंदर है तो वो कंडक्टिंग नहीं हो सकता, वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। तो नॉन कंडक्टिंग लिखा हुआ है, और वॉल्यूम वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या यूज़ करते हैं, डेंसिटी रो। रो क्या होता है, कितना चार्ज अपॉन कितना वॉल्यूम है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो क्यू बाय वॉल्यूम आ गया, तो रो यूज़ करेंगे। क्या करना चाह रहे हैं, एक सॉलिड स्फीयर के बाहर ई निकालना है, सरफेस के ऊपर ई निकालना है, सरफेस के अंदर ई निकालना है, वही सेम। शुरू करें, पहला केस, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कहाँ निकाल रहे हैं, किसी भी सॉलिड स्फीयर के बाहर ई निकाल रहे हैं, बाहर ई निकाल रहे हैं, बाहर ई निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं, इस ये एक्चुअल स्फीयर है, ये एक्चुअल स्फीयर है, इसके यहाँ निकाल रहे हैं, तो टेक अ स्मॉल गॉशियन सरफेस। अब स्मॉलर डिस्टेंस ये भी है, 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 अंदर भी है, बाहर भी है, जब आप सारे सरफेसेस को मिलाएंगे, राइट, तो क्या बनेगा, इमेजिनरी स्फेयर।
जब सभी सरफेस को मिला देंगे तो क्या बनेगा? इमेजिनरी स्फीयर। कोई डाउट इसमें? सेम पुराना केस है, कुछ नया तो है ही नहीं। तो रूल नंबर वन, ds वेक्टर परपेंडिकुलर, जहाँ e निकालना है प्लस वन, प्लस प्लस को रिपेल, तो e और ds में एंगल कितना बोलो? जीरो। तो स्मॉल फ्लक्स क्या बनेगा इस सरफेस का? e ds cos जीरो। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए दोनों की इंटीग्रेशन, तो फ्लक्स इज इक्वल टू e इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब किसकी, किसका फ्लक्स निकल रहा है? रेड सरफेस का। रेड सरफेस का रेडियस कितने है? छोटा r। तो एरिया की जगह 4 पाई छोटा r स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? मैंने तो पेन भी चेंज नहीं किया, रेड है तो रेड ही यूज़ किया यहाँ पे, ताकि एरिया पता लगे कि रेड का है, ब्लैक का नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो फ्लक्स किसका निकला? गॉशियन सरफेस का। तो एरिया भी किसका लेंगे? गॉशियन सरफेस का। गॉशियन सरफेस का एरिया कितना है? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। डन। कॉस कहता है ये करने की जरूरत क्या थी मेरे से पूछो? ये क्लोज बॉडी है, इसके अंदर चार्ज कितना है? अब जब इसके अंदर की चार्ज की बारी आएगी तो ये इसके अंदर का चार्ज है, देख रहे हो, ये इसके अंदर का चार्ज है, ऐसे ही है। और ये चार्ज है क्या? रो इनटू इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये पॉइंट समझ में आया? क्योंकि हमने जो चार्ज लिया बस वो इतना ही लिया, ये तो खाली हवा है, कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, तो चार्ज बस यहाँ पर है। और इसका चार्ज कैसे निकलेगा? रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक? ये इम्पॉर्टेंट है, इसका एरिया छोटा आर स्क्वायर, वॉल्यूम में बड़ा आर, राइट? क्योंकि चार्ज बड़े आर के अंदर पड़ा हुआ है, छोटे आर में नहीं पड़ा। क्लियर है यहाँ तक? दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर लो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 4π से 4π कैंसिल। ई याद करो फॉर्मूला ई का, एक और क्या, एक मिनट में सॉलिड स्फीयर चीज़ें ऐसे निकल रही हैं, आप गई वो दिन, इधर वेक्टर उधर वेक्टर, वो लंबे लंबे कुछ नहीं, दो मिनट में ये आ गया। और देखो कितनी कॉम्प्लेक्स फिगर है, नॉर्मल इंटीग्रेशन तो मतलब पागल हो जाओगे करने में, इसको दो मिनट में आ गया। क्लियर है? अब ई की वैल्यू आ गई केस नंबर 2। अगर मुझे सरफेस के ऊपर ई निकालना है, छोटे आर को बड़ा आर, सरफेस के ऊपर निकालना है, तो पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो जब आप स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करोगे तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर? याद करो फॉर्मूला, दो मिनट में हो गया। तो पहला केस क्या कह रहा है? हमें ई कहाँ निकालना है? सॉलिड स्फीयर के बाहर। दूसरा, ई कहाँ निकालना है? सॉलिड स्फीयर के ऊपर। तीसरा, ई कहाँ निकालना है? सॉलिड स्फीयर के इनसाइड। बोलो अंदर क्या आएगा ई की वैल्यू? जीरो नहीं आएगी, शेल के अंदर चार्ज नहीं था इसलिए जीरो, इसमें तो चार्ज है तो कुछ तो आएगी, निकाल लो। तो ये लो, अब इस केस में ये आपके सामने स्मॉल आर डिस्टेंस टू गॉशियन सरफेस ऐसे बनेगा ना। अगर इनसाइड निकालना है, स्मॉल आर यहाँ निकालना है अंदर, तो गॉशियन सरफेस अंदर बनेगी। तो इसमें ये डी एस और ई हमेशा एंगल जीरो, तो इस गॉशियन सरफेस के लिए स्मॉल फ्लक्स क्या होगा? ई डी एस कॉस जीरो। इंटीग्रेशन करेंगे ई इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर, सेम वही चीज़, क्योंकि गॉशियन सरफेस का रेडियस कितना है? स्मॉल r। तो एरिया की जगह भी क्या पुट करेंगे? 4π स्मॉल r स्क्वायर। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? पहला काम क्या करना होता है जहाँ e निकालना है? टेक अ गॉशियन सरफेस। गॉशियन सरफेस का क्या निकलता है? फ्लक्स। तो गॉशियन सरफेस का एरिया स्मॉल r में है, तो स्मॉल r स्क्वायर, राइट? अब गॉस क्या कहता है? ठीक है, आप फ्लक्स निकालना चाहते हो, मेरे से पूछो, इतना करने की जरूरत क्या थी? आप बताओ मेरे नाम की गॉशियन सरफेस कहाँ है? मैंने कहा ये रेड कलर की। तो वो कहता है ठीक है, आप ये बताओ कि इसके अंदर कितना चार्ज है? अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो गॉस थ्योरम लगाते हुए गॉशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो बताना है। अब जो मैं देख रहा हूँ अंदर, सिर्फ ये चार्ज है जो इसके अंदर आएगा, बस यही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि गॉशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बाहर गया तो गया। अब इसके अंदर कितना चार्ज है? रो, रो का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे कितने वॉल्यूम का चार्ज निकालना है? 4π स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि गॉशियन जो गॉशियन सरफेस है उसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर। और चार्ज इसके अंदर सिर्फ इतना ही होगा, 4π स्मॉल आर क्यूब। तो क्यू इनसाइड कीजिएगा, रो इंटू 4/3π स्मॉल आर क्यूब। इसे और इसे क्या कर लेना है? इक्वेट, इक्वेट आंसर जो आया आंसर। तो आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ ना आर में कन्फ्यूजन बहुत होती है। फिर से देखो,
जब मैंने क्वेश्चंस जब मैंने ई की वैल्यू बाहर निकालनी थी और इसके फ्लक्स में क्या आया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसका फ्लक्स स्मॉल आर का ये रहा, राइट। और टोटल फ्लक्स जब गॉस थ्योरम लगती है तो फ्लक्स क्या होगा, जो भी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, अंदर कितना चार्ज है, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। फिर इक्वेट कर लिया आंसर। लेकिन जब मैंने इनसाइड निकाला तो गॉसियन सरफेस अंदर बन गई, यहाँ तक तो स्टेप सेम है, लेकिन अब जो चार्ज लेना है वो अंदर का लेना है, अंदर में वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये स्टेप समझ में आया। देखो जब आपने बाहर ई निकाला था तो आपने ई डॉट डी एस में एरिया छोटा आर स्क्वायर लिया था क्योंकि रेड कलर का है। इसके अंदर कितना चार्ज है, सिर्फ ये चार्ज है, इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये इक्वेट करके आंसर। जब आपने इसमें किया था गॉसियन सरफेस एरी तो एरिया सेम 4/r², लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है तो इतना ही चार्ज है, इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर नहीं यहाँ पर, स्मॉल आर क्यूब, बस। ठीक, तो आंसर आ गया। फिर मैंने रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया, जिसमें अगर आप बाहर स्मॉल आर पे ई निकालते हो तो ये फॉर्मूला करवाया, सरफेस के ऊपर स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करो ये फॉर्मूला, इनसाइड में ये फॉर्मूला, तीनों रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। बाय चांस रिजल्ट भूल गए, रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि क्यू चार्ज है कितने वॉल्यूम के ऊपर है, 4/3 पाई कैपिटल आर, तो रो की जगह वैल्यू पुट कर लो, कैंसिल करोगे, मजे की बात है, आंसर फिर सेम। तो सॉलिड स्फीयर का आंसर भी पॉइंट चार्ज वाला, शेल का भी आंसर पॉइंट चार्ज वाला, क्या कमाल के रिजल्ट है, आंसर वही आएगा, हर में नहीं आएगा भाई, ये स्फीयर और शेल में ही आएगा, सिलेंडर सुलेंडर में नहीं आता ही है। क्लियर है यहाँ तक, तो ये चीज़ क्लियर है। ऐसे इसमें रो की जगह क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, आंसर सेम वही, स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दो सेम, और अगर इनसाइड है तो कुछ मत पुट करना, रो को ऐसे ही रहेगा, इसमें नहीं पुट करना होता। तो आखिर फॉर्मूला याद हो गए, मतलब आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़, तो दोनों फॉर्मूले पता, देखो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो याद करना पड़ेगा। तो अगर आप इसका रिजल्ट प्लॉट करते हो, आप एक चीज़ नोट करो, अगर आप बाहर हो, आउटसाइड हो स्फीयर के, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, अगर आप इनसाइड हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ग्राफ समझ में आया, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब इनसाइड हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, आउटसाइड हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, शेल का भी और सॉलिड स्फीयर का भी। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें?